हाँ साहब, आपके सामने हमारे अरुण जी नागर जिन्होंने गुर्जर आंदोलन के ऊपर एक मूवी बनाई है, वो यहाँ पर विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी 2 मिनट के लिए आए और समाज के सामने अपने विचार मेरा नाम अरुण नागर है। मेरा जन्म हुआ था दादरी में, गांव मेरा दुजाना है। साल 2003 से मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ। 2011 का जो आंदोलन कर्नल साहब ने किया था, ट्रेनें रुक गई थी, मैं उस वक्त पूना में था और पूना में वहां पर जिक्र चल रहा था कि यार कोई गुजर आंदोलन कर रहा है। उससे पहले मुझे मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं थी गुजर आंदोलन के बारे में। वहां पर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि यार तुम गुजरो क्या मैटर है। तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उनके सवालों के जवाब देने के लिए रिसर्च करनी शुरू की कि दिन भर मैं शूटिंग करता था, रात में मैं रिसर्च करता था कि गुजर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, किन कारणों से शुरू हुआ। तो जैसे जैसे मैं गहराइयों में जा रहा था, वैसे दुख में मेरा जो हृदय है वो दुखों में डूबता हुआ जा रहा था। तो जब मैं गुर्जर आंदोलन के हिस्ट्री के बारे में जान रहा था, इंटरनेट से वीडियो वगैरह में देख रहा था, तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं सो नहीं पाया। मैंने रात को 2:30 बजे अपने घर फोन किया दिल्ली, अपने पापा को जगाया। मेरा पापा, मेरा तो राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, फिर उनकी पीड़ा से मुझे पीड़ा क्यों हो रही है। तो पापा ने बताया कि बेटा रिश्ता है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान से यूपी आए थे। तब मुझे पता चला कि हमारा कनेक्शन राजस्थान से। उसी दिन मैंने निश्चय लिया कि मैं राजस्थान के गुर्जर आंदोलन पर एक फिल्म का निर्माण करूंगा और वो फिल्म मैंने बनाई। कर्नल साहब से मेरी मुलाकात सिर्फ 2 बार हुई है, 1 बार यहाँ पर हुई थी, 1 बार हुई थी मथुरा में। ये 2 मुलाकात हैं। कहते हैं कि संगत से गुण आए, संगत से गुण जाए। जितने महापुरुष होते हैं उनकी सिर्फ परछाई अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। मैं खुश नसीब हूँ कि 2 बार कर्नल साहब का हाथ मेरे सर पर आया, मेरा जीवन उन्होंने बदल दिया। कर्नल साहब ने एक ही बात मेरे कान में बोली थी कि बेटा समाज की बुराइयों को दिखाओ। मुझे लक्ष्य मिल गया था कि मैं ये सोच रहा था गुर्जर आंदोलन के बाद मैं क्या बनाऊंगा। तो मैंने कर्नल साहब की जो बात है वो हमेशा अपने दिमाग में रखी। फिर मैंने नेक्स्ट फिल्म बनाई जो शराब के मुद्दे पे तेरे सनामा फिल्म थी। उसके बाद अभी मेरी जो फिल्म रिलीज हुई है वो दहेज के मुद्दे पे है। कर्नल साहब का यही एक प्रयास था कि बेटी ही दहेज है, तो यही मुद्दा मैंने इस फिल्म में भी रखा। गुर्जर आंदोलन फिल्म आप सभी देखिए, फिल्म में हर चीज़ आपको देखने को मिले, किस तरीके से हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी। मैं आपको बता देता हूँ कि लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग ऊपर चले जाते हैं, लेकिन याद करने को ही नहीं आता, लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जो समाज के काम आते हैं। आज हम हर साल यहाँ पर ये सम्मेलन करते हैं, ये लोकसभा करते हैं, सिर्फ उनको याद करते हैं। बाकी तो गुजरा में बहुत पैदा हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं याद करते। तो याद अमर वही रहेगा जो समाज के काम आए। कर्नल साहब हमेशा समाज के लिए लड़े, मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ, हमेशा हमारे समाज में कदरता करता हूँ, अपने समाज को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज के संघर्ष को जो पर्दे पर लाने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम सब 2 मिनट का मौन रखेंगे इन शहीदों की आत्मा के लिए।